बड़े मच्छर हैं भाई। अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव मद और दम में डूबी हुई सरकार है। सर, इट वॉज अ कंप्लीट वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड यूजिंग वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट फॉर परपेट्रेटिंग वायलेंस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। सर, सर, और इसकी इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है, और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। सर, अगर विजुअल सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में। सर, और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सूले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। सर, लगभग 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वह अपने घर में नहीं रह रहे हैं। 14,000 चिल्ड्रन आर डिस्प्लेस सर इन दिस, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स, एंड सर दे आर मोर देन 150 डेथ्स। सो तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है। सो वी जस्ट रिक्वेस्टेड आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू कम टू द हाउस एंड सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट, सो दैट वी कुड जस्ट शेयर आवर व्यू पॉइंट्स विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिससे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हम सामने बात रखना चाहते थे, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आज भी मौजूद नहीं है। इस चीज की हमें हमेशा कमी महसूस होगी। सर, सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे, उनका विशेष धर्म था कि वह इस वायलेंस को रोकने का काम करे। सर, इट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, हमारी फुल आर्मी वहां पर डिप्लॉयड रहती है, असम राइफल्स वहां पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहां की तो विद इन 2 डेज सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन वॉज नॉट राइट, और सर आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है। सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड, हमेशा उन्होंने कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है सर। सो क्या मणिपुर हमारा परिवार नहीं है सर? क्या हमारे देश का अंग नहीं है सर? तो यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मणिपुर को क्यों दिया जा रहा है सर? सर, बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार हैं सर।